देखो, अब पहले इस क्वेश्चन को रफली समझ लो, ठीक है? क्वेश्चन अभी आज पहली बार पढ़ रहे हो आप, कन्वेंशनल अप्रोच पे जा रहे हो, तो आज पेन रुकेगा, माइंड भी स्टक होगा, लेकिन जब ऐसे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहोगे तब क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही देखोगे उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, आपको बस लिखना स्टार्ट करना है। अभी केवल समझने का टाइम है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक प्लान है जिसको हमने इस स्केल पर क्या किया है, ड्रॉ किया है। कैरीड ए नोट स्टेटिंग दैट द चेन 20 मीटर यूज्ड वाज 20 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। ये कह रहा है कि इस प्लान को ड्रॉ करने में जो हमने चेन यूज की थी 20 मीटर की चेन, वो कितनी छोटी है, 20 सेंटीमीटर छोटी है, ठीक है? तो इसका मतलब यहां कुछ कंसेप्ट एरर ड्यू टू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन की वजह से आ रहा है। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द प्लान हैड श्रंक सो दैट, अब ये प्लान जो है वो श्रंक भी हो गया है, सो दैट ए लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉज 9.6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ प्लॉट अवेलेबल वॉल एरिया ऑफ प्लॉट अवेलेबल वॉज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर। तो ये अब पढ़ रहा है इसको, तो ये आपके पास पेपर है, उस पर नोट लिखा हुआ है, ऊपर वाला नोट लिखा हुआ है, श्रंक हो चुका है, ग्राफिकल स्केल से आपने पता कर लिया कि भैया 10 सेंटीमीटर का जो बॉक्स था ना, 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का बॉक्स था, वो अब कितने का हो गया, 9.6 का। ये ग्राफिकल स्केल से पता लगता है आपको, तो ये भी पता लग गया कि साहब ये जो मैप है या जो प्लान है वो श्रिंक हो चुका है। तो उसके बाद प्लानीमीटर लगा के उसने एरिया को मेजर किया, कितना आया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अपन यही लगाए ना, श्रंकेज वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं। तो देखो, लेट सपोज कि ये ड्राइंग है और इस पर ये एरिया बना हुआ है, इस एरिया की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पर जो इसके लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, क्या इसके फ्रूटफुल है ये, क्या इसके यूज हो सकता है, क्या ये स्केल इसमें यूज हो सकता है अगर इससे हम ग्राउंड एरिया कैलकुलेट करें तो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्लान तो क्या हो चुका है, श्रंक हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया स्केल डेवलप करना पड़ेगा, और वो नया स्केल कहां से डेवलप होगा, श्रंकेज फैक्टर से, ठीक है? अब ज्यादा हम नहीं सोचेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस ड्राइंग के लिए, इस ड्राइंग के कंपैटिबल स्केल डेवलप करना चाहिए। तो मैं यहां क्या करूंगा, अगर स्पेस है तो गिवन दैट वगैरह सब कुछ लिख दूंगा, अगर नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा यहां पर। और ये क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, 10 नंबर 5 नंबर में आ सकता है, 10 नंबर में आपको फुल डिटेल बतानी पड़ेगी गिवन दैट जो भी है, और 5 नंबर में आता है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करो। अब इसमें क्या होगा, आपको आर एफ नॉट दे रखा है, आर एफ नॉट क्या है बताओ मुझे, ओरिजिनल स्केल का आर एफ क्या है, 1/1000, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर दे रखा है। नाउ श्रिंकेज फैक्टर एस एफ कितना है, 9.6/10, तो 0.96। हालांकि इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं भी लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या कहता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो श्रंक लेंथ कितनी है, 9.6 सेंटीमीटर, ओरिजिनल है 10, तो श्रंकेज फैक्टर हो गया 0.96। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी ड्राइंग श्रंक होती है तो नया स्केल पुराने स्केल से छोटा आएगा, क्या आएगा, छोटा आएगा, तभी वो एरिया बढ़ के आएगा उसमें, या जो भी मेजरमेंट है बढ़ के आएगा। तो छोटा कैसे आएगा, इसका मतलब मुझे इससे डिवाइड कर देना चाहिए। तो देखो यहां पर, अब मुझे पता है कहां कंफ्यूजन चल रहा है, तो
आर एफ ऑफ श्रंक स्केल क्या हो जाएगा बताओ, आर एफ एस इज इक्वल टू क्या लिखूं, श्रंकेज फैक्टर इनटू आर एफ नॉट, बढ़ेगा तब जब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे तो घट जाएगा। देखो यहां पर कितना हो गया 0.96 और 1/1000, डिनोमिनेटर को बढ़ाना है तभी तो स्केल छोटा होगा। आर एफ के डिनोमिनेटर को अगर आप बढ़ाते जाओगे तभी आर एफ स्केल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मैं क्लासेस में बताता हूं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा स्केल बड़ा है, कौन सा स्केल छोटा है, विच स्केल इज लार्जर, विच स्केल इज स्मॉलर, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसको आप डायरेक्टली किससे कंपेयर करते हो, आर एफ से। उसका आर एफ कैलकुलेट कर लो, आर एफ का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो बढ़ रहा है तो स्केल क्या हो रहा है, स्केल बढ़ रहा है। आर एफ डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आर एफ के मैग्नीट्यूड की। तो आर एफ का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता जा रहा है तो स्केल भी बढ़ता जा रहा है। चलो तो अब कैसे लिखें, आर एफ को कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते, 1/समथिंग में लिखेंगे। सो बताओ कितना आ जाएगा यहां से, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां से आ गया हमारा आर एफ ऑफ श्रंक स्केल। अब इस ड्राइंग के लिए स्केल हमें मिल गया, इस ड्राइंग पर जो एरिया ड्रॉ हो रखा है, मतलब ड्राइंग का मेजरमेंट हमारे पास है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे ग्राउंड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राउंड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक लिख लिया सबने, चलो लिख लो। अब इससे कैलकुलेट करेंगे हम क्या, ग्राउंड एरिया, और ये ग्राउंड एरिया होगा आपका इनकरेक्ट, क्योंकि अभी वो जो नोट वाला प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं किया, इसलिए इसको लिखेंगे मेजर्ड ग्राउंड एरिया, और फिर इसको बाद में यूज कर लेंगे उसमें। पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसको यूज कर लो, बाद में इसको रिजॉल्व कर दो, वो कोई कंसर्न नहीं है। आगे बढ़ू, तो मेजर्ड ग्राउंड एरिया, मेजर्ड ग्राउंड एरिया, तो मैं लिखूंगा इसको ए डैश। देखो मैं क्या करता हूं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए डेजिग्नेशन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखता हूं, ये मेरा तरीका है। मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि जैसे टेप की लेंथ लिखनी है या चेन की लेंथ लिखनी है तो करेक्ट को मैं लिखूंगा कैपिटल लेटर और कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं होंगे, और इनकरेक्ट है तो कैपिटल लेटर और उस पर हम क्या लगा देंगे, एक सफिक्स लगा देंगे, ठीक है। और जो ग्राउंड के मेजरमेंट्स होते हैं उनको मैं लिखता हूं स्मॉल लेटर से, अगर वो करेक्ट हुआ तो जैसे यहां पर मेजर्ड है इसका मतलब इनकरेक्ट आएगा, तो इसको स्मॉल ए डैश से दिखा दिया, और अगर ये करेक्ट होता तो केवल किससे दिखाता, स्मॉल ए से। तो ये कंफ्यूजन जो है कई बार क्या डेजिग्नेशन में भी उलझ जाते हैं कि कौन सा कहां पे यूज करें, तो उससे बेटर है आप अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर लें कि भाई मैं इंस्ट्रूमेंट के लिए कैपिटल रखूंगा या स्मॉल रखूंगा और ग्राउंड के लिए इस तरह से। नाउ तो मेजर्ड ग्राउंड एरिया स्मॉल ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे, मैप एरिया, मैप एरिया, अपॉन आर एफ एस का स्क्वायर। अगर ये केवल लेंथ होती तो आर एफ एस हो जाता, एरिया है इसलिए क्या लिख दिया, आर एफ एस स्क्वायर, क्योंकि दो बार यूज करना पड़ेगा इसलिए। तो यहां पर हो गया मैप एरिया 60 इंटू, अब ये इसके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर ही लिख दू डायरेक्ट, चलो कोई बात, 1/1041.667 का होल स्क्वायर।
चलो सॉल्व करके बताओ। अच्छा ये एरिया किसमें आएगा मुझे बताओ, कल भी ये कंफ्यूजन हुआ था आप लोगों को, अभी सेंटीमीटर में आएगा ये, क्योंकि आरएफ तो यूनिट लेस है और आपने यहां रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एरिया बताओ मुझे, 6510 104 5833। ठीक है आ गया। आपसे एरिया पूछा है किसमें, हेक्टेयर में, तो पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो और फिर हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेना। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 10^-4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका, और 6510.458 मीटर स्क्वायर। और अब क्या करूं, 10^4 से फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो हेक्टेयर में हो जाएगा कितना, 0.651 हेक्टेयर। जा रहा लगभग लगभग 10 नंबर के आसपास। मैप एरिया अपॉन सिंकेज फैक्टर का, तो वो एक्चुअली वो कौन सा एरिया होता है, मैप एरिया नहीं होता, एरिया ऑन ग्राउंड होता है, वो सिंकेज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे। मैं समझा दूंगा क्या कलेस है, मैं समझा दूंगा। केवल ये मैनिपुलेशंस हैं फॉर्मूले के और कुछ भी नहीं है, याद मत करो, समझ लो बस, बता दूंगा क्या दिक्कत है। आपने याद कर रखा होगा एरिया अपॉन SF स्क्वायर, ऐसा कुछ याद कर रखा है, चलो कोई बात नहीं बता दूंगा। अभी यहां तक तो समझ में आया ना, ठीक है। तो अब ये एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई हमारी, कौन सी, श्रृंखेज वाली। अब हमें कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है जो इस पे नोट लगा हुआ है, तो इसमें हमको एक पॉइंट भी मार्क करना पड़ेगा, इट इज ऑल्सो, या फिर हम कह सकते हैं इट इज गिवन दैट दैट द चेन विच इज यूज फॉर मेजरमेंट इज 20 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। ये हमको लिखना पड़ेगा, इट इज गिवन दैट द चेन विच इज यूज फॉर मेजरमेंट इज 20 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। बताना पड़ेगा ना कि आप आगे की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो। तो करेक्ट एरिया, सो करेक्ट एरिया, एरिया ऑन ग्राउंड, स्मॉल a इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया इनटू l डैश अपॉन l का होल स्क्वायर। l दे रखा है आपको 20 मीटर और l डैश दे रखा है 20 - 0.2, दैट इज 19.8 मीटर। मेजर्ड एरिया तो ये था अपना 0.651 इंटू 19.8 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। कितना हेक्टेयर आ रहा है, 0.88 हेक्टेयर। देखो कई बार क्या होता है, जैसे यहां पर हो सकता है क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो या टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन लास्ट में लिख रखा है इन हेक्टेयर, और हेक्टेयर्स में कभी प्लान में एरिया नहीं, प्लान पे एरिया नहीं आएगा।
हो सकता है कि ये पूछ रहा हो कि जो प्लान का एरिया है उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड एरिया हेक्टेयर में कितना होगा। ठीक है, प्लान का अगर एरिया पूछ रहा होता तो उसको कैसे कन्वर्ट करते बताओ मुझे एक बार। श्रंकेज फैक्टर से हो जाता फिर वो। वैसे ही क्वेश्चन मैंने ही टाइप किया है, तो हो सकता है मैंने ग्राउंड की जगह प्लान कर दिया हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपका कंसर्न सुनो, आप लिख लिया सबने ये कि लिख रहे हो अभी लिख लिया। चलो ठीक है, जिन जिन बच्चों का ये डाउट है कि हमने कुछ दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है इसकी जगह, तो वो यहां देखें एक बार। यहां लिखा हुआ है मैप एरिया अपॉन आर एफ एस स्क्वायर। आर एफ एस क्या होता है? श्रिंकेज फैक्टर इंटू आर एफ नॉट। तो देखो इसकी जगह मैं लिख देता हूं मैप एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर इंटू आर एफ नॉट का होल स्क्वायर। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो मैप एरिया जिसको मैं बोलता हूं लेट सपोज ए डैश, और ये हो गया एस एफ का होल स्क्वायर इंटू आर एफ नॉट का स्क्वायर। केवल इसको चेंज किया है फॉर्मूले में, और ये क्या हो जाएगा फिर आपका एरिया ऑन ग्राउंड। तो मेजर्ड एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर, दैट इज द मेजर्ड एरिया ऑफ ग्राउंड। मतलब यहां पर क्या हुआ है, ये मेजर्ड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसके नीचे एक और नोट लिखा हुआ था, बाकी तो यहीं से करेक्ट हो जाता है, ये नोट नहीं लिखा होता तो। ठीक है, ये डिफरेंस था। आपने इस फॉर्मूले को बड़ा करके लिख दिया, तो मैप एरिया अपॉन आर एफ नॉट स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आप? ग्राउंड एरिया। और चूंकि आपने आर एफ नॉट यूज किया है, जबकि ड्राइंग तो श्रिंक हो गई है, तो वो एरिया जो कैलकुलेट करोगे वो करेक्ट आएगा या इनकरेक्ट आएगा? इनकरेक्ट आएगा। तो इनकरेक्ट को एक्चुअली हम मेजर्ड लिखते हैं, तो मेजर्ड एरिया ऑन ग्राउंड अपॉन एस एफ स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा करेक्ट एरिया। तो वो चेंज है बस, जो आप फॉर्मूले यूज करते हैं उनका केवल मैनिपुलेशन है, आप कहां क्या पुट करते हो। क्लियर? चलिए